और आज उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षाओं का रिजल्ट घोषित होने वाला है। जी हाँ, बहुत ही बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। 10वीं और 12वीं देने वाले बोर्ड के सभी परीक्षार्थियों के रिजल्ट की डेट कंफर्म हो चुकी है। जी हाँ, बहुत ही बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। रिजल्ट में 99% छात्र पास हुए हैं और बहुत से छात्रों को टॉपर बनाया गया है। टॉपर की लिस्ट भी जारी कर दी है और टॉपर वेरिफिकेशन का काम भी लगभग पूरा हो चुका है। जैसा कि हम आपको बता रहे, 20 फरवरी से आपकी बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हुई थी और 7 मार्च तक चली थी। ठीक है, ज्यादातर सभी राज्यों की बोर्ड की परीक्षाएं अब हो चुकी हैं और जिन भी राज्यों की रह गई उनको ये कड़े निर्देश जारी किए हैं, आप अपनी परीक्षाएं जल्द से जल्द करवा ले ताकि रिजल्ट जल्द ही घोषित किया जाए। सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस बार लोकसभा चुनाव के चलते परीक्षाएं भी पहले करवा ली गई थी और रिजल्ट भी आपका चुनाव से पहले ही आ जाएगा। चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। आचार संहिता भी आपकी लागू होने से पहले रिजल्ट आ जाएगा। तो देख सकते हैं आप, काफी परीक्षार्थियों ने अपनी कॉपियां किस प्रकार से चेक हुई और कॉपियों में पैसे भी लगा दिए थे, तो क्या पैसे लगाने पे उनको एक्स्ट्रा बोनस अंक मिले हैं? तो देख सकते हैं आप, इस कॉपी पे पूरे 200 रुपए निकले तो 200 रुपए रखने में कितने बोनस अंक मिलते हैं, या फिर 3 नोट अगर आपने रखी हैं 300 रुपए तो कितने बोनस अंक, 500 की रखी तो कितने बोनस अंक परीक्षार्थियों को मिल जाते हैं। ठीक है, हालांकि ये घोषणा की गई थी कि जो भी परीक्षाएं लीक हुई हैं उनके पेपर पुनः नहीं करवाए जाएंगे और उन पेपर में परीक्षार्थियों को प्रोन्नत कर दिया जाएगा, यानी बोनस अंक देकर पास कर दिया जाएगा। देख सकते हैं आप, काफी सारे बच्चों ने बोर्ड की कॉपियों में पैसे लगा दिए। तो सबसे पहले हम आपको बता दें बोर्ड परीक्षा की कॉपी पे नंबर किस प्रकार से मिले हैं। जिन परीक्षार्थियों ने अपनी कॉपी बहुत ही अच्छे से लिखी, शुरुआत के 2-3 पेज बहुत ही अच्छे से साफ सुथरा ढंग से अच्छी हैंडराइटिंग के साथ लिखा है, उनको आगे भी नंबर उसी प्रकार से मिलते चले गए हैं और वही परीक्षार्थी टॉपर बनाए गए हैं। और जिन भी परीक्षार्थियों ने शुरू के 2-3 पेज ही गंदे कर दिए हैं तो उनकी कॉपी भी उसी हिसाब से चेक होती चली गई। तो बोला यही जाता है कि आप अपनी कॉपी के शुरू के 2-3 पेज अच्छे से करिए ताकि जब एग्जामिनर आगे तक आपकी कॉपी अच्छे से चेक करता चला जाए, यानी कि बोला जाता है ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जिन भी बच्चों ने कुछ भी नहीं लिखा कॉपी पे और वो केवल पैसे के बेस पे नंबर चाहते हैं तो टीचर आपका पैसा भी रख लेता है और आपको नंबर भी नहीं देता है।